नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। सब्जियों के राजा आलू से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे राजनीतिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, किसी भी जीवन में आलू के स्वभाव को हमको समझना चाहिए। चाहे सम परिस्थिति हो, चाहे विषम परिस्थिति हो, कैसा भी मौसम हो, सभी सब्जियों के साथ अपने को समायोजित कर लेना, एडजस्ट कर लेना। ये अगर अपने व्यक्तित्व में हम ढाल लें तो हमें कैसी परिस्थितियां विषम ना आ जाएं, हमेशा हमारा टेम्पो हाई रहेगा, हमको दुर्दिन नहीं देखना पड़ेगा। अभी हम ज्वलंत उदाहरण ओम प्रकाश राजभर का ले सकते हैं, जो सुभाषा पाक जो है अभी कुछ दिन पहले सपा से भाजपा में, भाजपा से सपा में, फिर अपनी पार्टी बनाया, आज देखिए उनकी क्या हालत हो गई। लेकिन जितने लोग झंडा बैनर लेके ढोने वाले थे उनको समझना चाहिए था कि राजनीतिज्ञ हैं, इनका कोई धर्म नहीं होता। ये समय आते ही ऐसे पलटा मारेंगे, और तुम कार्यकर्ता अगर अपने व्यवहार को खराब कर लोगे, अगल बगल अपने संबंधों को खराब कर लोगे तो कहां मुंह दिखाओगे। वही हालात जैसे हुई है ओम प्रकाश राजभर के अनुयायियों की, कार्यकर्ताओं की, ये हालात नहीं पैदा करना चाहिए। चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, सब में अपने व्यवहार को इस तरह बना के रखना चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी आएं, आपकी सरकार हमेशा चलती रहे। जी हाँ, मैं बात करना चाहूंगा मुलायम सिंह के चहेते और अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में 180 दिन की रहे डीजीपी रहे जगमोहन यादव जी, पुलिस महानिदेशक, सबसे बड़ा पद पुलिस का। पहले सीओ बनता है आदमी, उसके बाद एएसपी, उसके बाद एसपी, फिर एसएसपी, फिर आईजी, डीआईजी, अपर पुलिस महानिदेशक, उसके बाद बीच में और दो चार पद भी हो सकते हैं, उसके बाद पुलिस महानिदेशक, बहुत बड़ा पद। इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे बड़े रसूख वाले अधिकारी के ऊपर, इतना बड़ा जिसका कद हो, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होना एक कौतूहल का विषय बना हुआ है, एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि आप जानते हैं, एक सिंपल एफआईआर दर्ज कराने के लिए कितना आपको संघर्ष करना पड़ता है। पहले आप थाने जाते हो, डांट के भगा दिया जाता है, उसके बाद आप एसएसपी के यहाँ जाते हो, एसएसपी के यहाँ अपना प्रार्थना पत्र देते हो, आपको वो कुछ लिखते हैं, क्या लिखते हैं आपको खुद भी पता नहीं रहता, खाली इतना आपको पता रहता कि कुछ लिख रहे हैं, और वो भी जब आपको समय मिले, आपको उनसे मिलने का मौका मिला तब। आम तौर पे होता है कि एसएसपी कहाँ तक आम जनमानस पहुँच कहाँ पाता है, उसके लिए आप नेता पकड़िए, पत्रकार पकड़िए, ऊंची पहुंच लगाइए, तब जाकर आप कहीं एसएसपी से आपकी मुलाकात हो पाती है। और वहां से भी नहीं होता है तब 156(3) आप दर्ज कीजिए, मामला कचहरी में आता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाइए, दो चार महीना चक्कर लगाइए, तो कहीं 156(3) में कहीं कोर्ट जब आदेश देती है तब एफआईआर दर्ज होता है। और इतने ओहदे वाले, इतने बड़े कद वाले पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना एक चर्चा का विषय बन जाना एक स्वाभाविक है। वैसे देखा जाए तो पता नहीं कितने अधिकारियों को सेवा काल में या सेवा के उपरांत मुकदमे दर्ज हुए हैं। मुकदमा दर्ज होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जेल भी पता नहीं कितने लोग गए हैं, लेकिन इनका मामला थोड़ा हटके है। ये वाकया है 2007 का। 2007 में गोरखपुर में आईजी थे जगमोहन यादव, मुलायम सिंह यादव ने उनको आईजी के रूप में नियुक्त किया था। उस समय गोरखपुर के सांसद थे योगी आदित्यनाथ, वहां के डीएम थे डॉक्टर हरिओम, और एसएसपी थे राजा श्रीवास्तव। 2007, 25 जनवरी 2007 की बात है, मुहर्रम का दिन था, ताजिए का जुलूस जा रहा था, उसी समय बवाल हो गया, और एक छेड़खानी को लेकर कुछ युवकों में जो है कहा सुनी हो गई, मामला उग्र हो गया। उसके बाद बात बहुत आगे बढ़ी, उसी में एक युवक की हत्या हो जाती है चाकुओं से घोप कर। उस समय की बात है कि उस समय योगी आदित्यनाथ जो वहां के तत्कालीन सांसद थे, वो कुशीनगर गए थे किसी बात को लेकर, लेकिन पुलिस महकमा एक्शन में आता है। एक्शन में आने के बाद तीन अपराधियों को अरेस्ट कर लिया जाता है,
अरेस्ट करके थाने लेकर आ ही रहे, कोतवाली लेकर आ रहे थे, उसी दौरान रास्ते में ही उनके ऊपर भीड़ के द्वारा हमला कर दिया जाता है और उसमें से एक को प्राण अपने गंवाने पड़ते हैं। पूरी तरह दंगा भड़क उठता है, आग फैल जाती है, चारों तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। उस समय योगी आदित्यनाथ जी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर में, वहां कुशीनगर थे, कुशीनगर से ही अपने सबसे चहेते जो करीबी थे राधे मोहन अग्रवाल, हालांकि इधर संबंध उनसे थोड़ा बिगड़ गए, उनको इन्होंने दूरभाष से बताया कि गोरखपुर में गोलघर चौराहे पर धरना प्रदर्शन होना है, आप तैयारी पूरी रखिए, मैं आ रहा हूं। कुशीनगर से योगी जी का काफिला चलता है और इधर एसपी, डीएम और आईजी तीनों लोगों से बराबर मुख्य मुलायम सिंह यादव से संपर्क बना हुआ था, अखिलेश यादव की सरकार थी उस समय और संपर्क बना हुआ था। ये आदेश मिला विश्व सूत्रों द्वारा, ये पता लगा कि ये आदेश मिला कि किसी भी तरह से योगी जी को अरेस्ट करना है, वो गोरखपुर में प्रवेश न कर पाए। पूरी फोर्स लगा दी गई, योगी आदित्यनाथ जी को अरेस्ट करना इतना आसान था। गोरखपुर के पहुंचने के पहले ही योगी जी को कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया जाता है। 4 किलोमीटर की दूरी को तय करने में लगभग 8 घंटे लग जाते हैं। योगी के रास्ते को उनके कार्यकर्ता रोक ले रहे थे, गाड़ी के सामने लेट जा रहे थे। पूरा गोरखपुर क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि योगी जी को जेल होती है, 11 दिन योगी जी जेल में रहते हैं, जो जेल में लोगों से मिलने जुलने वालों का तांता लगा रहता है। रात में ही डीएम और एसएसपी का तबादला कर दिया जाता है। हेलीकॉप्टर से डीएम एसएसपी गोरखपुर पहुंचाए जाते हैं, डीएम राकेश गोयल और एसके भगत एसएसपी आते हैं और चार्ज लेते हैं, तुरंत लाइन ऑर्डर को जो है दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है इसी दौरान जगमोहन जी से और योगी आदित्यनाथ जी से हाटाक होती है। जगमोहन जी के बारे में बता दें कि एसके जैन पुलिस महानिदेशक की सेवानिवृत्ति के बाद ये डीजीपी बनाए जाते हैं। पता नहीं कितने लोग इनसे सीनियर थे, काबिल थे, उनके अंदर योग्यताएं थी, लेकिन सबको नजरअंदाज करके, जैसे आंख बंद करके इनको डीजीपी बनाया गया था। जैसा कि होता रहा, आज जो सरकारें आरोप लगाती हैं एक दूसरे को, जातिवाद फैला रहे हैं, धर्म धार्मिक राजनीति कर रहे हैं, सभी लोग करते हैं। जिसका समय आता है सब लोग अपनी रोटी को सेंकते हैं। अब आते हैं वहां पर जहां पर जगमोहन जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, जौनपुर का गांव तराहटी कोल्हापुर, थाना मुगराबाद शाहपुर, तहसील मछली शहर, जगमोहन यादव जी का गृह गांव। कई बार माताजी गांव प्रधान रही, परिवार के अन्य लोग भी प्रधान रहे, राजनीति में बड़ी रुचि रही है, गांव की राजनीति इन लोगों ने बहुत किया, लेकिन निजाम बदला, समय बदला, घर की प्रधानी भी चली गई और प्रधान हुए चंद्रेश गुप्ता जी। जगमोहन जी के ऊपर आरोप है कि बंजर भूमि का इन्होंने कब्जा किया है, मंदिर की भूमि पर कब्जा किया है, लड़कियों के विद्यालय की भूमि को भी कब्जा किया है और हड़प रखा है। 11 सितंबर को भूमि की पैमाइश होनी थी, तहसील के तहसीलदार, कर्मचारी, नायब तहसीलदार, लेखपाल, पूरा महकमा तहसील का जुटा था, भूमि की पैमाइश चल रही थी, नापा जा रहा था। उसी में जगमोहन यादव जी पहुंचते हैं, प्रधान चंद्रेश गुप्ता से कुछ हाथ टाक होती है, थोड़ा हाथापाई भी होती है, चंद्रेश गुप्ता को धक्का भी दे देते हैं शायद, और चंद्रेश गुप्ता जी के साथ में कुछ भाजपा के वहां के कार्यकर्ता आ जाते हैं, भाजपा के नेता आ जाते हैं, एसडीएम पहुंचते हैं, सीओ पहुंचते हैं, मामला आगे बढ़ जाता है। जगमोहन जी के खिलाफ 323, 504, 506 का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या जगमोहन जी को जाना वहां उचित था? अरे परिवार को किसी सदस्य को भेज दिए होते, इतना बड़ा पद, इतना बड़ा कद, आपको वहां पे इन्वॉल्व होना क्या उचित था? अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये जगमोहन जी के ऊपर FIR दर्ज होना एक चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग
सुने सुने पूरी कहानी को, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, बताइए क्या जगमोहन जी का कृत्य उचित था। देखते रहिए अयोध्या दर्पण, ढेर सारी शुभकामना आपको, धन्यवाद।